गाइस भंडारे से आ चुके हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने इतनी सी शूट क्यों करी, है ना? सोच रहे होगे इतना बुरा स्कैम हुआ ना भाई। मैं कसम से इतना बता रहा हूँ, अगर तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। एक कुत्ता था, ठीक है, यहीं का कोई था, बिल्कुल पिल्ला सा है वो बिल्कुल पिल्ला सा, और उसके उस पर लात मार रहा वो। एक अंकल थे यहाँ पे, ठीक है, उसने उनने कितने 5-6 लात मारी। तो जब वो गिरने को हो गया ना, कभी ऑटो स्टैंड के इस साइड में, मैंने उस टाइम पे बचाया, ठीक है, मैंने उसे उठा लिया क्योंकि वो उठ नहीं पाता, क्योंकि वो उठ नहीं पाता और वो इतना सा तैयार वो कुत्ता भाई, इतना सा भाई वो कुत्ता भाई, वहीं पे मेरा गिर गया फोन, जैसे जो तुम देख रहे हो ना कि भाई गोल पे गुम गया भाई। चुपचाप एक बंदा इसे उठा के ले गया। अब तो मैं बताता हूँ कि स्टोरी वो था कौन, वो चुपचाप फोन उठा के ले गया। इतने में ही ऊपर से एक लड़की ने बताया मेरे को कि वो लेके गया, मुझे समझ में ही नहीं आई, दुकान पता नहीं क्या, वो समझ में नहीं आया मेरे को। मैं ऊपर जाके मैंने पूछा तो उनने बोला कि वो एक आदमी लेके गया है, टोपी पहन रखी और गाड़ी छोटी छोटी थी। वो भी किसने देखा? अंकल ने, सतपाल अंकल ने जाके वहाँ पे देखा। एक सेकेंड, उस टाइम पे भाई सतपाल अंकल और दूसरे अंकल का मेरे को नाम नहीं पता, वे दोनों गए, ठीक है, अंदर जो माता वाला जो मंदिर है, फिर एक गली जो जाती है वहाँ पे, जो पार्क साइड, वहाँ पे वे गए और मैं आगे आगे होली चौक साइड में गया। भाई वो बंदा दिखा नहीं मेरे को, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आया, मैं रुक गया वहाँ पे। महा यार दिक्कत ये नहीं, फ़ोन गया भाई, फ़ोन तो नहीं आ जाएगा कोई ना, बट डाटा इसमें, और मेरे को आईडी का ना पासवर्ड पता ना कुछ, क्योंकि पासवर्ड जितने भी हैं वे सारे इस फ़ोन में सेव हैं। मगर लो भाई, अगर ये फ़ोन नहीं मिलता तो मैं बनाता भी नहीं, मतलब फिर तो मैं छोड़ ही देता, क्योंकि एक साल हो गया ना मेहनत, तो ऊपर से फिर दोबारा करो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं घर पे आया, खूब सुना, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़े बहुत सुनी, ऐसे ऐसे कहाँ देख के चलता है ये वो। फिर उसके बाद पापा ने करी अंदर तलाश, हमने 2-3 को ही बताई कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन देखना है, चला ठीक है। फ़ोन आता है भाई, आप वसीम को नहीं जानते होगे बट वासु को जानते होगे, वासु और वसीम है दोनों भाई दोस्त ही हैं मतलब, तो उनके जो रेंट पे रहता है जो किराएदार है भाई, उसने उठाए फ़ोन। जब मैंने पूछा, जब वो मिल गया बिल्कुल वो शनि मंदिर के वहाँ पे, मगर लेके क्यों भगा? कह रहा मुझे तो दिखे नहीं को, मैं तो इसलिए लेके चला गया। मगर तेरे को मैं नहीं दिखा, और मैं देखने लग रहा वहाँ पे, बट मैं दिखा नहीं ना तो मैं पीछे भग नहीं लेता भाई। कुछ भी हो, बहुत बुरा सीन हुआ है, बट हाँ मिल गया भाई, राम जी की हुआ, जय श्री राम, राम जी का दिन था, मिल गया। स्टार्टिंग थोड़ी गलत हुई बट हाँ आखिरी में एंडिंग मिल गया फोन। अभी मैं एक बार सामान लेने आया हूँ, फिर उसके बाद जो तुम्हारा भाई का दिल खुश हुआ है ना, पूरा दिल खुश हुआ है, बट हाँ रियली मैं बहुत कम देख पाया, थोड़ी देख पाया फ़ोन के चक्कर में। मगर फ़ोन मिल जाता तो मैं भी दिखा देता, मैं भी देख लेता, बट मैंने थोड़ी बहुत देखी है, इतनी नहीं देख पाया, बट आखिरी में जो हुआ कोई ना, मिल गया, बस मिल गया मेरे पास है, ये बहुत बड़ी बात है। कहा भाई ये रे भाई आदि भाई ले लो ना ब्लॉग में, ब्लॉग में ले लो ना आदि ने। जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह के बाद शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, नीचो कर दिया गिरना जा तेरे पे। भाई वो जो पाउडर नहीं कर पाया था ना, पिछली बार पाउडर रह गया, और ये रहा गंदा पोताश, में बढ़िया फोड़ेंगे। आदि भाई ये आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है? कहीं से भी नहीं मिलती भाई। आदि इसके जैसा मन छोड़ ना, देखा पूरी गली में कितनी आड़ करवा लो, कितना कुछ करवा लो, होली बनवा लो, कुछ भी। जल्दा भाई जल्दा, ना जल रहा है। गो बूम, ओए
चाचा राम था यो भी आई था बढ़ती दिवाली वो धमाका पूरा फाट दिया था चलो ठीक है आते भाई ऐसा बढ़िया दिवाली आज की अभी मेन है। क्या हो गया क्या हो गया आपने बुझा क्यों दिए मन कर रहा था भाई का बहुत मन करता है भाई हम जा रहे हैं बाप गया 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 ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई सॉरी ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई एक सेकंड पहले जुकाम हो रहा है मेरे को गाइस हैप्पी दिवाली आपको बोलते हैं पर फिर से हैप्पी दिवाली क्योंकि खुश इतने ज़्यादा है तुम्हारा भाई तुम्हें वीडियो नहीं दिखा पाया मैं जो रील ली हुई थी वो एक दो दिन में मैं डाल दूंगा ब्लॉग में क्योंकि सीन तुम्हें पता ही है फ़ोन खो गया था कोई ना जो होगा भाई अच्छे के होगा मिल गया बाकी छोटो कोई ना अभी भाई हम जा रहे हैं एक बार यहाँ पे मोमोज अड्डा शॉप खाने साथ में फिर मम्मी कहीं से ले लेंगे कुछ खाने का मम्मी भी खाएगी मतलब मम्मी ने बोला नहीं बट समझ रहे हो ना मम्मी का भी ले लेंगे खाने का तो अभी एक बार वहीं जा रहे हैं और आएंगे पैक करवा के लेके जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे खाना अच्छा ही लगता मेरे को पता नहीं क्यों है कलेवा वलेवा है ना इनको तो खाना बैठ के खा लूँ बट वहाँ पे मेरे को बैठ के नहीं खाया जाएगा बस दिक्कत यह जैसे 200 पीयूष के लगा उस दिन तो ठीक था बट वैसे अजीब सा लगता है अकेले बैठ के खाना कोई ना वही करवा लेते फिर उसका बम भी फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे गंदा को दाशा है मेरे पास दो मतलब है थोड़ा बाउंडर चल जाएगा वो 20 शॉट तो आराम से चल जाएगा तो वो फोड़ेंगे बढ़िया मज़ेदार अगर पहुंच लेते हैं करवा लेते चाप सीधा पैक आ जा भाई ये बंद मोमोज अड्डा तो बैक टू विद वीर जी आज वीर जी खा लेते हैं चलो बंद है आज भीड़ भी है वीर जी का ऑलमोस्ट आज भीड़ भी है भीड़ होती नहीं वीर जी में कोई ना आज लोग ऐसे दिखते ना ब्लॉगर इतना बड़ा ब्लॉगर है कोई नहीं भाई करना पड़ता है कैसे आ रहा भाई मैं देख लूँगा अपने आपको कैसे आ रहा हूँ भाई दे दिया है ऑर्डर मलाई चाप क्योंकि आज वो है नहीं तो करवा देते हैं पैक चलेंगे वहाँ से लूँगा खाने का सामान घर वालों के लिए जाऊँगा सीधा घर पे तो मैं घर जाके बताऊँगा कि उसकी वो उसकी चाप में और इसकी चाप में क्या फ़र्क है बाकी मुझे थोड़ा अच्छा उसका लगता है क्योंकि उसमें ना तंदूरी फ्लेवर रहता है बट यहाँ पर वो तंदूरी फ्लेवर नहीं मिलता बट कोई ना करवा लेते हैं पैक कुछ नहीं है तो खाने कुछ तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि भूखा तो ना थोड़ा जावे और वो भी आज इतनी खुशी वाले दिन पे थोड़ा दुख है बट वो दुख मिट गया मतलब था दुख है नहीं था खुश है कोई ना वो खुशियाँ बदलेगा चलो कोई ना जो वो अच्छे के लोग वो मिलेगा जस्ट लीव दैट थिंग बिफोर एक नई शुरुआत करते हो लाइक कर दो सही में क्योंकि मैं ना उस टाइम पर डिप्रेस हो गया मैं कहा यार 300 व्लॉग डाले 140 मेरे सब्सक्राइबर ऊपर से फोन उठ गया ये क्या हो रहा है कोई ना करवा लेते पैक चलते सीधे घर पे भाई 9:20 हो गए यार कोई ऑटो वाला नहीं आ रहा दिक्कत ही हो रही है किसके साथ जाऊँ मैं ऑटो क्योंकि यहाँ पे भर के आते हैं क्या आ रहा है रोक देखो रोकते तो भाई भाई भी भग गए ले आया भाई चाप टाइम हो रहा है बहुत लेट हो रहा हूँ मैं बहुत लेट कितना अभी बज रहे 9:40 जल्दी जल्दी चाप खा लेता हूँ पोटाश भी फोड़ना है क्योंकि भाई चाप है ऑलवेज की तरह बढ़िया बट वो तंदूरी फ्लेवर जब तक नहीं आता ना इतना मज़ा नहीं आता गाड़ी मत दे पहले बता दे कर दे सेट करके कर दे करिए एक और करियो अरे ना होगा मामा इतना मर्डर मामे वैसे भी आंड रहे ओ देख लेंगे कोई ना कोई ना गिर लेने दे यार सुबह इसकी रेडी फूकेगी भरियो एक दो भरियो अरे भर दे कर दी ये
भाई मैं के प्रणक्ष खरेटा विदा सोलिड माल गंतक पोतास उलझा सिम सिम एक सेकेंड गाइस ये हमारा खुल गया 14 से कर देते 0.5 पे जो मैं अभी पूरा हूँ वाइड एंगल आए हम बढ़ते हैं इसमें ये हमारी गन है नीचे से गर्म हो रही है क्योंकि अभी 2-3 छोड़ गया मैं इसमें हम देंगे ऐसे करके दिख रहा आपको एक सेकेंड मम्मी छोड़ रहा हूँ एक सेकेंड लिया इसे मारेंगे एक बार नीचे और अब फोड़ते हैं अपने घर के आगे बनाते हैं असली आज दिवाली तो हैप्पी दिवाली गाइस अभी एक दो खोल लेते फोड़ लेते उसके बाद मिलेंगे आपसे रुको आपके सामने ही फोड़ता हूँ इसे कर लेते हैं बैग और भर लेते हैं सौदा कैसे जो साइड में गिरा है ना इसे साफ कर देना क्योंकि ये होता मतलब पाउडर तो खतरनाक ही है ये थोड़ा और भर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जो गली हमें उठ जाए जो पूरी गली उठा दे ऐसा बना लेते हैं एक भाई एक सेकंड मैं कैमरा एंगल सेट कर लेता हूँ भाई ये था आखिरी हैप्पी दिवाली देख रहे हो एक आखिरी फोड़ा और इसमें सारा भर दिया मैंने बहुत सारा भरा इसमें भाई हैप्पी दिवाली अब रख देते हैं इस सौदे को अगली दिवाली में काटेंगे सीधा या फिर बर्थडे पे भाई आज के ब्लॉग के लिए इतना ही मिलेंगे आपसे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में तब गुड बाय टेक केयर पीस आउट मेरे कभी फोड़े बट कोई ना